हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 8 के हनीडू की पोएम द स्कूल बॉय करेंगे। बिफोर यू रीड, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। व्हाट मेक हिम अनहैप्पी? व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन ए केज और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम? इस कविता में स्कूल जाने वाला लड़का खुश बालक नहीं है। उसके दुख का कारण क्या है? वह अपनी तुलना पिंजरे में बंद पक्षी या उस मुरझाए पौधे जिसे अभी खिलना था से क्यों करता है? I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me, oh what sweet company. मैं गर्मी की सुबह उठना पसंद करता हूँ, जब पक्षी हर पेड़ पर चहचहाते हैं, कहीं दूर शिकारी बिगुल बजाता है और अबाबिल मेरे साथ गाते हैं, ओह कितना प्यारा साथ है. But to go to school in a summer morn, oh it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. किंतु उस गर्मी की सुबह स्कूल जाना, ओह यह सारी खुशी को छीन लेता है। एक निर्दयी आँख के नीचे छोटे बच्चे पूरा दिन बिताते हैं आह बढ़ते हुए और उदास। आह देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सीट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्सस आर, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इट लर्निंग बावर वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। ओह उस समय मैं झुका हुआ बैठा रहता हूँ और कई चिंतन घंटे बिताता हूँ, किसी भी पुस्तक में मुझे खुशी नहीं मिलती है, न ही विद्यालय के बगीचे अर्थात छायादार स्थल में बैठ पाता हूँ। मैं इस मनहूस फंवारे को भी से भी तंग आ चुका हूँ। हाउ कैन द बर्ड डैट इज बॉर्न फॉर जॉय सेट इन ए केज एंड सिंग, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। किस तरह से एक पक्षी जिसका जन्म आनंद लेने के लिए हुआ, एक पिंजरे में बैठकर गा सकता है, और किस तरह से एक बच्चा इस डर में रह सकता है, अपने कोमल पंखों को झुकाए हुए और अपने युवा बसंत को भूल सकता है? ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर नेप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and cares dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? अरे माता पिताओं, यदि कॉम्पलों के खिलने से पहले काट दिया जाएगा और फूलों को हवा द्वारा दूर बहा ले जाया जाएगा और छोटे नन्हे पौधों को बसंत के खुशनुमा दिनों में काट दिया जाएगा, तो वे दुखी भयभीत तो उदास हो जाएंगे। तब किस तरह से गर्मी की ऋतु खुशीपूर्वक आएगी या किस तरह गर्मी के फल उत्पन्न होंगे? वर्ड मीनिंग: मॉर्न सुबह, अनॉय नाराज, स्काईलार्क भरल पक्षी, ड्रूप लटकना मुरझाना, आउटवॉर्न जीर्ण, निप्ट पनप से पहले ही किसी कली को कुचल देना, साई आह उदासी, डिस्मे घबराहट, बावर कुंज, डेयरी नीरस, प्लांट्स पौधों से खुशियाँ, स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय छीन लेना।